नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं ख्वाहिश पटियाल। इस समय जम्मू के रिहाड़ी पीएनबी ब्रांच में है। यहां पर आज से 2021 श्री अमरनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। अगर बात करें हम पहलगाम से या उनके लिए पूरी सुविधा रखी गई है SOPs के तहत। वो लोग यहां पर आके अपनी यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। पिछला साल आपको बताया कि 2020 में पर्याप्त यात्रा नहीं चल पाई थी, महज कुछ लोग जा पाए थे और यात्रा को जो बाहर से लोग थे वो भी नहीं जा पाए थे और जम्मू के ज़्यादा लोग भी नहीं जा पाए थे। हालांकि इस बार जो है अब यात्रा जो है 28 जून से शुरू होनी है जो रक्षाबंधन तक चलेगी। यहाँ पर ये जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं, और सबसे पहले मैं आपको बताऊँ पंजीकरण के लिए जो फॉर्म्स हैं वो लोग सबमिट करवा रहे हैं। और इस तरह से यहाँ पर एक ये फॉर्म पड़ा है, आप ये देख सकते हैं। इस तरह से श्री अमरनाथ यात्रा 2021 के लिए फॉर्म है। इसका नाम भर के फोटोज लगा के ये इस तरह से फॉर्म दिया जा भर रहे हैं आप में और बैंक ब्रांच में देकर, उसके बाद आपको ये बालटाल के लिए और एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी है। यहाँ पर ये कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट ऑफ श्री अमरनाथ यात्रा 2021, ताकि आप इसमें देखिए तमाम चीज़ें लिखी गई हैं। ब्रेथलेसनेस लिखी गई है कि आप सांस ठीक से लें, डायबिटीज़ तो नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है, अस्थमा, और उसके अलावा ब्लड डिसऑर्डर, ब्लीडिंग टेंडेंसीज, हार्ट अलाइनमेंट, इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। और जो इस मेडिकल फिटनेस को जो पास करता है उसे ही आगे जो है वो बालटाल या फिर पहलगाम से जाने की जो है अनुमति दी जाती है। पीएनबी बैंक ब्रांच के साथ और कई अन्य बैंक ब्रांचेस के में भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा रखी गई है। और यहाँ पर भी बहुत सारे लोग पहुँचे हुए हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई है। ये व्यक्ति आप देख सकते हैं, इनको ये डॉक्यूमेंट मिला है जो कि यात्रा के लिए है, यात्रा की रजिस्ट्रेशन स्लिप है, ये इनके हाथ में है और इनका नाम भी है उसमें। ये इस तरह का डॉक्यूमेंट है जिसे इन्होंने अपने पास रखना है, यात्रा में इन्होंने दिखाना है। खासतौर पे इस साल की बात करें, अब जिस तरह से कोविड का दूसरा स्ट्रेन शुरू हुआ है और केसेस जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि कोविड की वैक्सीन भी लगातार तेज़ी से लगाई जा रही है, लेकिन यात्रा पिछले साल भी सुचारू रूप से नहीं चल पाई थी, इस साल वो चल पाए और देश भर से यात्री जो आए उसको उनकी जो सुरक्षा है, उनकी हेल्थ जो उनकी जो कहें कि पूरी सेफ्टी है उसका ख्याल रखते हुए यात्रा कराई जाए, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये अमरनाथ यात्रा पर आतंकियों का भी साया रहता है और जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, एजेंसीज हैं, उन सब ने ये आश्वस्त भी किया है कि आप जो भी लोग यात्रा के लिए आएंगे 2021 अमरनाथ की, उन सबको प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी, कोई डर खौफ का माहौल नहीं होगा। और जिनकी सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हुई है हम उनसे भी आपकी बात करवाते हैं, उनसे बात करवाते हैं। जो शख्स यहाँ पर खड़े हैं इनसे भी बात करेंगे कि अब ये यात्रा करने जा रहे हैं, कितने समय से यात्रा कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र कुमार। सर राजेंद्र जी, पहले कितनी बार अमरनाथ जा रहे हैं? सर मैं पहली बार जा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं जी। तो मतलब अभी कोविड का स्ट्रेन दूसरा जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इस बीच में आप जा रहे हैं, आप कहाँ, बालटाल से जा रहे हैं या पहलगाम से? बालटाल से सर। बालटाल से जा रहे हैं। और कितने लोग आपके साथ जा रहे हैं? एक बंदे और फ्रेंड जा रहे हैं जी। क्या कुछ तैयारियां आपको बताया गया है? और जिस तरह से मैं फिटनेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि बालटाल से जाना है, खड़ी चढ़ाई रहती है, तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हैं जाने के लिए? हाँ जी सर। और क्या कुछ आपने जब फॉर्म भरा तो उसमें क्या कुछ चीज़ें बताई गई आपको कि क्या आपने ख्याल रखना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कुछ बताया गया आपको यहाँ पे? नहीं सर अभी तो कोई नहीं, अभी कुछ नहीं बताया। बाकी आपने कोई मेडिकल टेस्ट करवाया आपने, उसमें आपकी तमाम चीज़ें फिट थी सर? हाँ जी। अच्छा, ECG वगैरह शेरा काल सर कुछ मेडिकल टेस्ट आपने कहाँ पे करा? सरवाल हॉस्पिटल। सरवाल हॉस्पिटल मतलब वो कंपलसरी रखा गया, आप अपने टेस्ट की रिपोर्ट लेके आए, वो साथ में अटैच करें, तभी आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अनुमति दी जाएगी। हाँ जी सर। तो आपने 28 तारीख को यात्रा करनी पहले जाते? हाँ जी हाँ जी। ये राजेंद्र जी हैं जम्मू के, और इसके अलावा और कई युवा भी हैं जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। राजेंद्र जी ये भी पहली बार जा रहे हैं और कई और लोग भी हैं जो कि पहली बार जा रहे हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। एक और युवा है यहाँ पे, ये जो फर्स्ट टाइम जो ट्रैवल कर रहे हैं, आप पहली बार अमरनाथ यात्रा जा रहे हैं, कितना मन में खुशी है कि यात्रा बहुत कठिन है, बहुत सुना हो रहा है, इस पर जाने का मौका मिल रहा है? बहुत खुशी है कि मेरे को भोले बाबा के दर्शन करने का मौका मिल रहा है इस बारी, तो यही रहेगी आशा कि अच्छे से हो जाए, अच्छे से दर्शन हो जाए भोले बाबा के। दर्शन हो जाए। और कितने लोग आपके साथ जा रहे हैं? मेरे ग्रुप में 5 लोग हैं, तो उनके साथ जा रहा हूँ। उनका फर्स्ट टाइम नहीं है, वो बहुत बार जा चुके हैं, तो इस बार भैया है तो उन्होंने बोला चल, तो मेरा भी बहुत मन था जाने का, तो इस बार मैं भी जा रहा हूँ। आप जम्मू से ही लोकल हैं? हाँ जी, जम्मू से लोकल हैं। तो मतलब इस बार तो जो स्ट्रेन है कोविड का वो भी दूसरा बढ़ रहा है और उस बीच में आपने यात्रा करनी है, तो यात्रा तो कठिन है ही है और प्रिकॉशंस भी, कोविड के SOPs का भी ख्याल रखना है, उसके लिए मेंटली तैयार हैं? हाँ जी मेंटली तैयार है प्रिकॉशंस लेने के लिए, क्योंकि अब हर चीज़ को ध्यान में रख के ही सब होगा, तो इसलिए फिर कोविड का ध्यान रख के ही तो हम सब कुछ
गाइडलाइंस आगे प्रेफर करेंगे माध्यम से, क्योंकि अमरनाथ यात्रा पे कहीं ना कहीं आतंकियों का साया भी रहता है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने आश्वस्त किया है कि सभी यात्रियों को हम सुरक्षा प्रोवाइड करवाएंगे, तो उससे भी संतुष्ट है कि जिस तरह से सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर पुलिस CRPF या पैरामिलिट्री फोर्सेज दे रही है, यात्रा जो है सेफली आप लोग कर पाएंगे? हाँ जी, हमें सेफली कर पाएंगे क्योंकि जो हमारी JK गवर्नमेंट है तो पुलिस वगैरह आर्मी वगैरह हम पे हमें उन पर पूरा विश्वास है कि हमारी यात्रा पूरी अच्छी तरह सफल हो जाएगी। ये लोग हैं तमाम, और पहला दिन है आज, और यहाँ पर ये देख सकते हैं काम बुरा रजिस्ट्रेशन का जारी है। इस तरह से रजिस्टर मेंटेन किए जा रहे हैं, जिन जिन लोगों ने फॉर्म दिए हैं उनकी पूरा डाटा डिटेल यहाँ पर लिखी जा रही है, और आगे आने वाले दिनों तक जब तक यात्रा चलेगी लगातार इस तरह से रजिस्ट्रेशन होगी। जम्मू के कुछ निजी बैंक में जो है उनमें भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा रखी गई है, लेकिन जो पहले सबसे पहले लोग हैं वो रिहाड़ी चुंगी के इस PNB ब्रांच में आए हैं, यहाँ पर ही अमरनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन हो रही है। यहाँ पर भी खास, हालाँकि क्योंकि पहला दिन है और मीडिया के लोग भी यहाँ पर काफ़ी कवर करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कोविड के SOPs का ख्याल रखते हुए भी ही जो अमरनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन है वो करवाई जा रही है, और ब्रांच इसमें खास तौर पर ध्यान दे रही है कि जिस तरह से कोविड के स्ट्रेन भी बढ़ रहा है और संक्रमण भी बढ़ रहा है, लोग भी ज़्यादा कोविड से इफेक्ट हो रहे हैं, तो वो उस चीज़ का भी ध्यान रखा जाए और रजिस्ट्रेशन भी प्रॉपरली हो। जो डॉक्यूमेंट है वो एक फॉर्म आपको भरना है 2021 अमरनाथ यात्रा के लिए, उसके अलावा अपने साथ मेडिकल जो फिटनेस आपका जो एक सर्टिफिकेट है वो अटैच होना है, जिसमें तमाम चीज़ें मेंशन की गई हैं कि आपको ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है, आपको डायबिटिक तो नहीं है, आपकी सांस तो नहीं फूलती है, और कहीं जो इसमें हार्ट रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नी रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो नहीं है, ये सब चीज़ों को देखते हुए अगर जो चीज़ मेडिकली फिट रहता है उसको फिर आगे यात्रा करने की अनुमति दी जा रही है। काफ़ी कठिन यात्रा मानी जाती है, हालांकि जो बालटाल से समय कम लगता है, लेकिन वो उसमें चढ़ाई काफ़ी है। अगर हम पहलगाम से बात करें, पहलगाम से चंदनवाड़ी से यात्रा शुरू होती है, सबसे पहले यात्रियों को जो है पिस्सू टॉप की चढ़ाई करनी पड़ती है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, हालांकि घोड़े खच्चर पिट्ठू की जो सुविधा है वो मिलती है, उसके बाद आगे शेषनाग की चढ़ाई आती है, फिर गणेश टॉप की, देन जो है नाइट स्टे जो है चंदनवाड़ी में होता है। जो लोग पहले ही दिन शेषनाग को पार कर लेते हैं जो पहलगाम से जाते हैं, तो उन्हें आगे चंदनवाड़ी तक जाने दिया जाता है। अगर जो लोग दोपहर का जो एग्जैक्ट समय रखा जाता है उस समय तक अगर वो शेषनाग पार नहीं करते हैं तो उनको रात को जो है जो कैंप बनाया जाता है शेषनाग में वहीं रोक दिया जाता है, देन नेक्स्ट डे उनको आगे चंदनवाड़ी के लिए भेजा जाता है। लेकिन कई लोग जो हैं जो इस समय जो फिट भी हैं फिजिकली, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग पिछले साल नहीं आ पाए थे, कई ऐसे लोग भी हैं जो हर साल बाबा भोले के दर्शन करते हैं, लेकिन कोविड के कारण पिछले साल वो दर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार वो करने ज़रूर आएंगे, और प्रॉपर जो सरकार है वो तमाम फैसिलिटीज़ दे रही है। हालांकि अगर हम रेलवेज़ की बात करें, रेलवे की बात हो भाई, एयर कनेक्टिविटी बात को, वो प्रॉपर चलेंगी, ट्रेन्स भी चलेंगी, बसेस जो है वो थ्रू जत्थे या फिर इंडिविजुअली जो गाड़ी लेके आ रहे हैं वो भी कॉन्वॉय के साथ यात्रा के लिए जा पाएंगे, चाहे वो बालटाल से हो या फिर पहलगाम से हो। तो पर्याप्त जो यात्रा की जो सुविधाएं हैं उसके साथ आज रजिस्ट्रेशन 2021 अमरनाथ यात्रा की जम्मू में शुरू हो गई है। ब्रिजेश शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।